उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के खिलाफ प्रतियोगी छात्रों का आंदोलन आज चौथे दिन भी जारी है। आज भी हजारों की संख्या में छात्र आयोग के दफ्तर के बाहर की सड़कों पर जमा हैं। सुबह पुलिस से उनकी तीखी झड़प भी हुई है। इस बार प्रतियोगी छात्रों की जो मांग है कि जो परीक्षा है वो वन डे वन शिफ्ट में कराई जाए, उसे लेकर लोक सेवा आयोग की हाई लेवल की कमेटी की बैठक चल रही है। ये बैठक दोपहर करीब 12 बजे से शुरू हुई थी। उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज की बैठक में छात्रों के हित में बड़ा फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से छात्र अपने आंदोलन पर लगातार अडिग हैं, कतई पीछे हटने को तैयार नहीं हैं, उसके बाद आयोग भी बैकफुट पर आया है। बैठक चल रही है और पूरी उम्मीद है कि अब से कुछ देर के बाद आयोग नोटिफिकेशन जारी कर सकता है, नोटिस जारी किया जा सकता है। बहरहाल इस बैठक को लेकर छात्रों को बेसब्री से इंतजार है कि क्या कुछ फैसला आता है। तो छात्र क्या सोच रहे हैं इस बैठक को लेकर, किस तरह से बेसब्री से इंतजार है, इसे लेकर हमारे साथ बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र हैं जो यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। क्या नाम है? आवाज दो। बात डॉक्टर अमरजीत वर्मा। बैठक चल रही है, क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, नॉर्मलाइजेशन हम लोग वापस लेकर रहेंगे, नोटिस आज शाम तक जारी करा के रहेंगे। ये बात करते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन की, और एक दिन में एग्जाम नहीं करा सकते हैं। 25 करोड़ लोगों की जो चुनाव एक दिन में करा सकते हैं, लेकिन एग्जाम एक दिन में नहीं करा सकते हैं। 50 लाख लोगों का यूपी बोर्ड का। देखिए, बैठक चल रही है, एक घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, और ये भी लगता है कि आयोग अब आपके हक में फैसला लेगा। आयोग में बैठे लोगों को ये बात समझना चाहिए, ये छात्रों के हित में है, छात्रों के हित में फैसला लेना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर पुलिस प्रशासन अपनी गुंडागर्दी के दम पर आंदोलन को मिटाना चाहती है तो उनको समझ जाना चाहिए कि यह गांधी का देश है, यहाँ हम अपना आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये छात्रों के आंदोलन का ही असर है कि आयोग को इमरजेंसी बैठक करनी पड़ रही है। बैठक चल रही है, क्या उम्मीद करते हैं आप लोग, लगता है कि आपके हक में फैसला आएगा? उम्मीद हमारी यही है कि हम अपना मांग मंगवा के ही जाएंगे, अपनी नोटिस लेने आए थे, नोटिस लेके ही जाएंगे। जब तक आयोग नोटिस नहीं देगा तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। हमें आयोग के ऊपर भरोसा बिल्कुल नहीं है। आयोग 50-50 का क्या लगता है कि आयोग को ये फैसला पहले ही ले लेना चाहिए था? अगर पहले ही ले लेता तो शायद ये नौबत ना आती। जी सर, अगर पहले ले लेता तो ये नौबत नहीं आती। हम अपने भाइयों को कहना चाहेंगे कि आप लोग डटे रहिए, ना किसी हम सफर ना किसी हम नसी से निकलेगा, ना किसी हम सफर ना किसी हम नसी से निकलेगा। हमारे पांव का काटा है हमें से निकलेगा, हमारे पांव का काटा है हमें से निकलिएगा। उम्मीद सर, सर हम लोगों की यही डिमांड है, सर हम लोगों की यही एक डिमांड है कि वन डे वन शिफ्ट नो नॉर्मलाइजेशन। आप क्रिकेट के रूल की तरह कभी भी आप इसमें इस एग्जाम में डकवर्थ लुईस में जो अभ्यर्थी हैं वो यही चाहते हैं कि आयोग उनके हक में फैसला ले, जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करे। क्या चाहते हैं कि आयोग को अब जो है सीधे तौर पर ऐलान कर देना चाहिए? बिल्कुल, आयोग को नोटिस दे देना चाहिए छात्रों के हित के लिए। जब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था तब कोई नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं थी। अब आयोग इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लिया है, आयोग पीसीएस जे की 50-50 कापियां बदल दिया है। इसी अंदर आयोग को हम लोग वन डे वन शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन अपने मांगों के लेके अडिंग रहेंगे। जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी, छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या लगता है कि आयोग को इतनी देर नहीं करनी चाहिए, एक लाइन का फैसला लेना है, जल्दी से ले लेना चाहिए? सर बिल्कुल ले लेना चाहिए, क्योंकि 4 दिन हो गए दिन रात जाग करके, लड़के यहाँ दिन रात जाग करके इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आयोग फैसला नहीं ले रहा। ये बात देख कर रहे हैं कि हम लोग इसी तरीके से और सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन करें, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें भी पढ़ाई लिखाई करनी है, एग्जाम की तैयारी करनी है। हमें लगता है कि आयोग को अब जल्दी से पहल कर देना चाहिए। बिल्कुल, 3 दिन से इनका बैठक चल रही है, हम लोग 3 दिन से 72 घंटे से यहाँ भूखे प्यासे पड़े हैं। इस पे जो है बिल्कुल जल्दी से जल्दी जो है फैसला लेना चाहिए, नहीं तो हम लोग जब तब तक रहेंगे यहाँ पे जब तक आप नहीं चले जाओगे। हम आप जब तक यहाँ से जब तक हम लोग यहाँ तब तक रहेंगे जब तक आप नहीं चले जाओगे। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आयोग की जो बैठक चल रही है उसे छात्रों को बेसब्री से इंतजार है कि आखिरकार इस बैठक में क्या कोई नतीजा निकल सकता है। छात्रों को पूरी उम्मीद है कि छात्रों का फैसला उनके हक में ही आएगा। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज़, प्रयागराज।
For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.